विपक्षी दलों की एकता को लेकर कल हुई बैठक के बाद जो सार्थक जो परिणाम आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाने लगी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक नेता पूरा चिल्ला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारियों को एकजुट करने निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिसका जवाब आरजेडी की तरफ से दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विपक्षी दलों से मुलाकात करने गए हैं तो सभी जितने भी दिल्ली से बिहार तक के जो नेता हैं भाजपा के वो चिल्ला रहे हैं। ये तो महज एक मुलाकात है, आने वाले वक्त में जो तस्वीरें हैं जब साफ होगी तमाम विचारधाराओं वाले जो तमाम एक विचारधारा रखते हैं लेकिन अलग अलग दल है वो जब एकजुट होंगे तो तस्वीरें जब निकल कर सामने आएगी तब इन लोग को समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन हो रहा है और ये जो तस्वीरें यानी कि विपक्ष की एकता की जो मांग है वो देश की जनता की मांग है, ये जनता का चाहत है, जनता चाहती है कि सभी लोग एक मंच पर आए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। विपक्षी दलों की एकता को लेकर कल हुई बैठक के बाद जो सार्थक जो परिणाम आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाने लगी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक नेता पूरा चिल्ला रहे हैं। एक बार जान लीजिए, एक महीना इंतजार करिए ना, उसके बाद जो बैठक होगी और समान विचारधारा वाले दल जब सब एक मंच पर आएंगे और यही देश की जनता चाहती है और देश की जनता की मांग पर यह गठबंधन आगे की का रास्ता अख्तियार कर रहा है और इतना बड़ा माहौल बनेगा देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी अब तक पता नहीं रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा देश के अंदर में, अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, व्यवस्था, गिरती अर्थव्यवस्था, ये सारे सवाल आते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है देश के अंदर में, बहुत हो गया, लोग उब चुके हैं। देश को चाहिए रोटी, देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए महंगाई से मुक्ति, ये फजूले की चीज देश को नहीं चाहिए। और संवैधानिक संकट जो देश में खड़ा है उसको बचाना सबका दायित्व है और उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सब लोग एक मंच पर आएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ था, इतना बिलबिला रहा है, और जब पूर्ण रूप से होगा ना तो पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब में कहां जाएंगे।